दोस्तों सितंबर महीने में द मोस्ट अवेटेड एप्पल आईफोन 13 सीरीज़ आने वाला है। एप्पल इसके साथ आपका और 2-3-4 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, जो कि है आपका एप्पल वॉच 7 सीरीज़ और आपको मिलेगा आईपैड मिनी 6 सीरीज़ एप्पल के तरफ से देखने को मिलेगा। तो चलिए आईफोन 13 का कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे। तो सोर्सेस से पता चल रहा है एप्पल आईफोन 13 आपको 4 वेरिएंट में मिलेगा। ये चारों के चारों वेरिएंट एक साथ लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको मिलेगा एप्पल आईफोन 13 मिनी, 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स। दोस्तों एप्पल आईफोन 13 का लॉन्च डेट पता चल गया। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस उसका लॉन्च डेट 14 सितंबर को होने वाला है। 14 सितंबर ग्लोबल लॉन्च होने वाला है, तो शायद इंडिया में आपको एक हफ्ते के अंदर ही मिल जाएगा। फिर 17 सितंबर से आपका प्री ऑर्डर स्टार्ट होगा और 24 सितंबर से आपको ये सेल में मिलेगा। तो इस बार देख लेते हैं एप्पल आईफोन 13 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बार भी आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा। आपको इस बार एक अच्छा फीचर देखने को मिलेगा, आप विथ मास्क, आप जैसे मास्क पहन के इस बार आपका फ़ोन का अनलॉक करने वाले हैं। पर पहले क्या होता था, अगर आपके पास एप्पल वॉच है तभी आप अगर मास्क पहन के अपना आईफोन अनलॉक करते तभी होता। पर एप्पल अपने नया टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें आपको बिना एप्पल वॉच की मदद से आप अपना मास्क पहन के अपना आईफोन अनलॉक कर सकते। ये फीचर लॉन्च के टाइम पर आपको नहीं मिलेगा, पर आप जैसे जानते हैं एप्पल इसको अपडेट के ज़रिए आपका फ़ोन में पुश कर देगा एक डेढ़ महीने में ही। इस बार आपको डिज़ाइन में कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, पर एप्पल अपना कैमरा बहुत ही इम्प्रूव कर रहा है। और इस बार आईफोन 13 में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि एप्पल यूज़र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अभी तक वो लोग 60 हर्ट्ज़ में थे, तो अभी वो लोग 120 हर्ट्ज़ में अपना आईफोन 13 को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप अगर कोई भी आईफोन 6, 7, 8, 9 यूज़ कर रहा है, 10, तो अपग्रेड करना आपके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा? डेफिनेटली अपडेट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा कैमरा मिल रहा है, आपको नेक्स्ट आईफोन 14 में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल सकता है। इस बार आईफोन 13 में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और प्राइजेस सोर्सेज के तरफ से आ रहा है कि आईफोन 12 और 13 का प्राइस सिमिलर रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो देखते हैं एप्पल अपना प्राइजेस क्या करता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते थे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड और जी फ्लिप का प्राइस बहुत ही अच्छा किया सैमसंग ने। सो हम होप करते हैं एप्पल भी अपना प्राइसिंग ठीक ठाक ही रखता है। फिर आपको देखने को मिलेगा एप्पल वॉच सीरीज़ में 2 वॉच, एक आपका 41mm का और दूसरा आपका 45mm का मिलेगा। और आपको और एक चीज़ मिल सकता है आईपैड मिनी 6, ये श्योर नहीं है, ये आपको इस सेम लॉन्च इवेंट में एप्पल की तरफ से मिल सकता है। सो दोस्तों क्या आप हाइप्ड है आईफोन 13 के लिए? कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।